हेलो फ्रेंड्स, bearrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को मूंग दाल की बड़ी बनाने की विधि बताऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम यहाँ 250 ग्राम मूंग दाल लिए, आपको जितना हो सकता हो उतना रखिए। इस मूंग दाल को आप आधे घंटे पहले इसको भिगो दीजिए। अगर जल्दी बनाना है तो इसे गर्म पानी में डालिएगा तो यह और जल्दी बनेगा। अब हम देखिए, मूंग दाल को अच्छे से भिगो दिए हैं, ये अच्छे से भीग गया है। अब इसको हम 2 से 3 पानी धो लेंगे। अब देखिए, इसको अच्छे से धोने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च और इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और मिक्सी के जार में डाल करके थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसे बड़ी बनाना है। तो इस तरह इतना मोटा पीसी है ताकि अच्छे से हाथ से बड़ी कढ़ाई में जो तेल में डालना है वो अच्छे से पड़ जाए। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको दरदरा पीस लीजिए। ज़्यादा बारीक बिल्कुल पेस्ट तैयार नहीं करना है, अगर थोड़ा दरदरा रहता है तो यह अंदर तक क्रंची और अच्छा बनता है। तो देखिए, बैटर बिल्कुल दरदरा पीसे हैं, ज़्यादा इसको बारीक नहीं किए हैं। इसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे और इसका पकौड़ा तलेंगे। तो देखिए, इसमें बारीक कटा थोड़ा सा प्याज डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे प्याज को, और छोटा छोटा बड़ा इसमें हम तैयार करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, जैसे बेसन वेसन ऐसे नहीं पड़ता है, ये बड़ी की तरह ऐसे ही तल जाएगा। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, बाज़ार में भी मिलता है। तो देखिए, अच्छे से तेल, सरसों का तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। अब हम इसको हाथों से छोटा छोटा डाल करके इसको अच्छे से तल लेंगे। तो देखिए, इसको अच्छे से हम तलेंगे। तो इसे देखिए मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से पलट पलट के सेक लेंगे। बढ़िया से सेकना है ताकि ये अंदर तक कुरकुरा हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए, इस तरह से बड़ी को अच्छे से बनाइए। और एक बार हम निकाल लिए हैं प्लेट में, और देखिए प्याज बारीक कटा हुआ, और चटनी के साथ इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये भुना हुआ जीरा और काला नमक, लाल मिर्च है, इसको ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इस तरह से खाइए।